गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस योर कोर्स इज कंप्लीटेड, ओके, फ्रॉम बुक एंड कॉपी बोथ, दोनों से आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है. नाउ इट्स रिवीजन टाइम, ओके. नाउ टुडे इज योर रिवीजन ऑफ एक्टिविटी नंबर 1, ओके. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मींस व्हाट? एक्सपेंडेड फॉर्म मींस वी सेपरेट आवर डिजिट्स विद देयर प्लेसेस, ओके. उनके प्लेसेस के साथ में हम लोग इस डिजिट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. दैट मींस इन दिस नंबर हाउ मेनी वंस हियर, हाउ मेनी टेंस हियर, हाउ मेनी हंड्रेड्स हियर रिप्रेजेंट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें ये बताता है कि इस नंबर में कितने नाइन, कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं, ओके. नाउ फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म वंस टेंस हंड्रेड वी हैव हंड्रेड्स प्लेस, ओके. नाउ वी रीड आवर नंबर 800. 19 मीन्स व्हाट? 19. 819. देन हाउ टू एक्सपेंड आवर नंबर? 8 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, सो राइट 800, ओके. प्लस 1 इज इन टेंस प्लेस, सो राइट 1 टेन जा 10. एंड 9 इज इन वंस प्लेस, सो राइट 9 वन जा 9, ओके. नाउ इन बी पार्ट यू हैव गिवन 507, ओके. नाउ इन दिस नंबर 7 इज इन वंस प्लेस, 0 इज इन टेंस प्लेस एंड 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. So 5 is in hundreds place. So 500s are what? 500 ja 500. Plus 0 is in tens place. 0 10 ja 0. Plus 7 is in ones place. So 7 ones are what? 7 ones are 7. So right here 500 plus 0 plus 7. Okay? This is your expanded form questions. Okay? Now second number question is fill in the missing number. You have given some numbers. Now firstly, you see your number and write after the given number. In numbers के बाद में जो numbers दिए गए हैं उनको write करना है. Now you have given in A part 333, 444. That means 333, 444. Now what is the difference between two numbers? दोनों numbers के बीच का difference क्या है? For difference, you use rough side. Okay? Now in rough side you subtract 444, 333. Greater number में से smaller number को minus करेंगे difference find out करने के लिए. 4 minus 3 is 1, 4 minus 3 is 1, 1. That means 111 is the difference between the given two numbers. दोनों के बीच का number है. Since your number is in ascending order, क्या है 333, 333, फिर 444, number आपका increasing order में जा रहा है ना, that means ascending order. तो जब असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा देन वी एड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तो जो ये हमारा डिफरेंस निकला है दोनों नंबर्स के बीच में, उस नंबर को हम इस नंबर में ऐड करेंगे, ओके. नाउ ऐड 444111. असेंडिंग ऑर्डर के केस में, इन द केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, जब नंबर बढ़ेगा तो असेंडिंग ऑर्डर है, दैट मीन्स ऐड करना है, ठीक है. सॉरी, 4 plus 1 5, 5, 5. Now your next number is 555. That means 555. वैसे भी देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है 333, 334, 555. Now next number is what? 666. Okay? Now for B part you have given 727, 747, 767. In this number ones place are same, tens place are 2, 4, 6, hundreds place are same 7, 7, 7. Now this pattern, according to this pattern, which number is changed? कौन सा number change हो रहा है? Only tens place number, okay? Here tens place is 2, 4, 6. Now this is the table of 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. Now next number is what? 2 4 जा 8. And ones and hundreds place are same in all numbers, okay? Now next, after 8 what number comes? 10. तो 10 तो यहाँ पे राइट, अगर आपने ऐसे 10 राइट कर दिया 7, 10, 7, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये आपका 4 डिजिट का नंबर आ गया. सो फॉर रिवीजन यू चेक, इसका रिवाइज करने के लिए आप क्या चेक करेंगे? 787 में से आपने क्या कर दिया, 767 को जब माइनस किया तो आपको कितना मिला? 20 मिल रहा है ना. दैट मीन्स हर नंबर्स के बीच की गैपिंग कितनी है?
2020 है तो इस नंबर में भी आप 20 को ऐड कर लीजिए, 787 में 20 को ऐड करेंगे, 7, 8 + 0, 10, 8 + 2, 10, 0, 1 कैरी, 7 + 1, 8, दैट मीन्स 807 इज द नेक्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्टली क्या करना है, जब भी मिसिंग नंबर्स होंगे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो डिफरेंस हमें मिल जाएगा अगर हमारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम वो डिफरेंस को उस नंबर में ऐड करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट बिफोर. राइट द जस्ट बिफोर नंबर. यू हैव गिवन टू नंबर्स इन योर क्वेश्चन. नाउ फॉर जस्ट बिफोर वी सब्ट्रैक्ट 1 टू द गिवन नंबर. जो नंबर हमको दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ 200 फॉर थर्ड ए पार्ट. 278 - 1 is what? 8 - 1 is 7, 7, 2. 277. Okay? Now 277 is the just before number of 278. And 174 के just before कौन सा number होगा? 4 से just पहले कौन सा number आता है? 3. Now 173 is the just before number of 174. Okay? Now for fourth question, you have given just after, that means you have given numbers, you find out the just after number of the given numbers. For just after we add 1 to the given number. जो भी number दिया हुआ है उसका just after अगर find out करना है तो हमें क्या करना होगा, 1 को plus करना होगा. ठीक है, तो 1 plus करेंगे तो क्या करेंगे, 200 में जब 1 plus किए तो क्या हो गया, 102, that means 201 हो गया. ठीक है, and next for B part 567 के बाद में 1 plus करेंगे तो 67 + 1 is 68. Okay, now 568, is it clear? Now student, you revise your extended form, missing letter, just before, just after, ascending order, descending order. That means activity number 1 आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है एंड आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस. नाउ सॉल्व इट एंड सेंड मी आंसर. ओके, बाय.